सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अंबर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आज मैं आप लोगों के लिए मौसम सरमा की एक और नई रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार होगी, जिसका नाम है फ़िश प्लेटर। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें पिसी हुई हल्दी 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे। 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई हल्दी का डाला है और 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च का, और पिसी हुई मिर्च का भी 1.5 चम्मच जाएगा इसके अंदर। और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नमक इसमें आप हसबे जायका डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। और होममेड मसाला है ये, मैंने घर पे ही बनाया है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 3 चम्मच हम इसके डालेंगे। इसमें नींबू का रस जाएगा, 2 चम्मच हम नींबू का रस के डालेंगे इसमें। चम्मच हम कॉर्न फ्लोर के डालेंगे। दो चम्मच हम कुकिंग ऑयल के डालेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह आपको फ़िश प्लेटर की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथों से, और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर। मछली में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको हम 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख देंगे ताकि मछली के अंदर मसाला सारा अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। मछली को हमने मसाला लगा के रख लिया था, इसको 2 घंटे हो गए हैं, अब मछली को हम फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम मछली फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मछली बनेगी, आप ज़रूर इस मछली को ट्राई करिएगा। वेजिटेबल में जो हमने स्पाइसेस यूज़ किए हैं उसके अंदर 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाला है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1/2 चम्मच नमक का डाला है। वेजिटेबल हमने हल्की सी लाइट सी फ्राई कर ली है, जिसमें हमने 3 अदद शिमला मिर्च लिए और 3 अदद आलू लिए हैं और 2 अदद टमाटर और 4 अदद प्याज लेकर उसको हल्के हल्के से फ्राई कर लिया है। ये देखें वेजिटेबल ज़बरदस्ती फ्राई हो गई है। माशाल्लाह फिश प्लेटर हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही यम्मी और टेस्टी होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।
माशाल्लाह फ़िश प्लेटर हमारी बेहतरीन सी तैयार है, आपकी फैमिली को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। मौसम के लिहाज से आप घर पे बनाएं और फैमिली वालों को खिलाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।